हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डे 17 वीडियो। डे 17 है आज डेली टाइम टेबल का। हम आपको डेली टाइम टेबल प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं डेली बताता हूँ आप लोगों को। मैं पूरी मेहनत करके आप लोगों के लिए डेली का टाइम टेबल लेकर के आता हूँ। मैं यहाँ तक बताता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर जीएस में आपको तुगलक वंश यानी कि तुगलक डायनेस्टी पढ़ना है तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं हम कि आपको कहाँ से पढ़ना है। इसे आपको प्रीवियस ईयर करना है तो कौन सी बुक से करना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, आपको यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो देखनी है तो कहाँ से देखनी है। मैं टू द पॉइंट चीज़ों को बताता हूँ आप लोगों को। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमारे ऊपर बिलीव करते हो, इतने दिन 15 दिन मैंने वीडियो डाली है, आपको फ़ायदा हुआ है, आप बिलीव करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप जितने लोग डे 1 से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने लगभग 300 वोकैब्स याद कर लिए हैं, लगभग एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, पॉलिटी के मोस्ट अधिकतर टॉपिक खत्म हो चुके हैं, बायोलॉजी के अधिकतर टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब खत्म हो चुका है। एक्टिव पैसिव के लोगों ने 200 क्वेश्चन लगा लिए हैं, कम बात नहीं होती है। आप भी हमारे साथ टाइम टेबल को फॉलो करें। बहुत ही एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करके टाइम टेबल हमने आपको आपके लिए बनाया है। आप इसे फॉलो करें। आपके लिए दिन रात मेहनत करके ये टाइम टेबल मैं आपके लिए खास आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके नंबर जो है वो एग्जाम में अच्छे आ सकें, ठीक है। और काफ़ी लोगों के नंबर जो है वो अच्छे आ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। विश्वास कीजिए, आप में भी इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत ही मेहनत लगा करके, बहुत ही एफर्ट लगा करके मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, डे 17 की वीडियो। देखिए आपको जीएस में क्या क्या पढ़ना है। आज हमने कुछ नया ऐड किया है। देखिएगा, जीएस में आपको पहली बात, जीएस 50 मार्क्स के आएंगे आपके, देखिए लिखा गया है, और उस 50 मार्क्स के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है देखिएगा। हिस्ट्री में आपको तुगलक डायनेस्टी पढ़ना है, हमने दो पार्ट में बांट दिया है, टॉपिक क्या लर्न करना है और PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करने हैं आपको। अब दो तरीके से चलेगा आपका जीएस का पैटर्न, क्या तुगलक डायनेस्टी याद करना है, तुगलक वंश के बारे में याद करना है, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इन सब के बारे में। कल हमने मामलूक डायनेस्टी, तुगलक वो गुलाम डायनेस्टी दी थी, है ना, खिलजी हम इसके बाद देंगे, और वोल्केनो। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पढ़ना है, इससे पहले हमने राष्ट्रकूट दिया था पढ़ने के लिए, उसे आप रिवीजन कीजिएगा अपने नोट्स से या लूसेंट से, और फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है वो किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से पढ़िएगा। आपके पास पिनाकल की बुक होनी चाहिए या आपके पास किरण की बुक होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक बुक है, वहाँ चोल राजवंश, चेर राजवंश या पांडे, इनमें में से कुछ दिया गया होगा, उसके क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, राष्ट्रकूट डायनेस्टी उसी में है। ज्योग्राफी में वोल्केनो याद करना है, वेलकनो और अर्थक्वैक याद करने। अच्छा, मैंने अभी बोल दिया कि चोल चेर पांडे में ही है, उसके आसपास का टॉपिक है, मैं ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। वेलकनो और अर्थक्वैक आपको याद करने हैं। सोलर सिस्टम आपको रिवाइज करना है किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से। प्रीवियस ईयर की बुक हमने जो देखा है पिनाकल की बुक में 45 क्वेश्चन सोलर सिस्टम के दिए गए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला टॉपिक सोलर सिस्टम ही है पिनाकल की बुक में, और उसमें 45 क्वेश्चन दिए गए हैं सोलर सिस्टम से, वो पढ़िएगा। और वेलकनो और अर्थक्वैक हमने, भूकंप और ज्वालामुखी हमने इससे पहले के टाइम टेबल में दे दिया था, वो आप रिवीजन करने के लिए आज मैंने दिया है, ठीक है। पॉलिटी में आर्टिकल 43, 44 से लेकर के आर्टिकल 50 तक आपको पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपके पिनाकल की बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का पहला टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके लगाने हैं, और पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के 42 क्वेश्चन आपके लगाने हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई और बुक है जैसे कि किरण की बुक, तो उससे पहले टॉपिक को आप लगाइएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर की दो बुक्स आप ले लीजिए, या तो किरण या पिनाकल की बुक, दोनों प्रीवियस ईयर की बुक हैं, ठीक है। साइंस में आपको ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क पढ़ना है, और रिविजन करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। अच्छा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके लगाने हैं, साइंस में पहला टॉपिक पिनाकल में दिया गया है साइंटिफिक नेम, ठीक है, 18 क्वेश्चन उसके हैं, लगा लीजिएगा। अब देखिए, कुछ अलग डायरेक्शन में हम टाइम टेबल को ले जा रहे हैं। जो लोग मेरी वीडियो पहले दिन देख रहे हैं वो डे 1 से टाइम टेबल को फॉलो करें, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत तगड़ा फायदा होगा। मिसलेनियस में फेयर एंड फेस्टिवल्स पढ़ने हैं, ये कहां से पढ़ना है, स्पीडी की बुक से पढ़ना है, उसमें दिया गया उत्सव और मेले, फेयर एंड फेस्टिवल्स। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। हम आपको करंट अफेयर्स 1 साल का तैयार करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, 6 महीने का नहीं। आप 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्पीडी के वन लाइनर करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ेंगे, 2 बार याद नहीं करेंगे, सिर्फ 2 बार आप पढ़ लीजिएगा उसे, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को, ठीक है, वन लाइनर। मिलिट्री एक्सरसाइज आपको कोप इंडिया पढ़नी है और एफ इंडेक्स पढ़नी है, AFINDEX। ये एफ इंडेक्स और कोप इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में है, अजय वारियर, जिमेक्स, स्लाइनेक्स और कोकर्ड एक्सरसाइज जो है वो किसके किसके बीच में, ये आपको रिवाइज करना है। कोकर्ड हमने पहली बार दिया, इसे पढ़ लीजिएगा। अवार्ड्स में आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के बारे में पढ़ना है, आप यूट्यूब पर डालिएगा, आ जाएगा उससे रिलेटेड टॉपिक, अपने नोट्स में उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑस्कर अवार्ड हमने 2023 दिया था, उसे आपको रिवीजन करना है। स्पोर्ट्स में आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में 2023 के बारे में पढ़ना है, और फ्रेंच ओपन के बारे में पढ़ना है, हमने पहले दिन आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन दिया था, ठीक है, और उसके बाद हमने दिया फ्रेंच ओपन, ठीक है, विंबलडन भी दिया था ये। अब देखिए, इतने टॉपिक आपको जीएस में पढ़ने हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है,
तुगलक डायनेस्टी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, राष्ट्रकूट आपने रिवीजन किया है, उसके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, वल्कनो और अर्थक्वेक हमने ऑलरेडी पहले दे रखा है याद करने के लिए, आपको रिवीजन करना है, और सोलर सिस्टम के 45 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, आर्टिकल 43 से आर्टिकल 50 तक पढ़ना है, दो बार पढ़िएगा किसी भी चीज़ को, 2 से 3 बार पढ़िएगा, अपने आप धीरे धीरे याद होगा कोई चीज़, एक ही बार बैठ करके आप नहीं याद कर सकते किसी चीज़ को। फिर कॉन्स्टिट्यूशन पिनाकल की बुक में पहला टॉपिक है, 42 क्वेश्चन उसके लगा लीजिएगा, इस तरह से पढ़ते जाइए, साथ साथ टॉपिक के साथ साथ हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देना स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टाइम टेबल कुछ खास है, ठीक है, अगर आपके टाइम टेबल में थोड़ा बहुत छूट भी जाता है तो आप परेशान मत होइएगा, कोशिश कीजिए कि टाइम टेबल पूरा हो जाए, लेकिन छूट जाता है तो परेशान नहीं होना, नेक्स्ट डे उस टॉपिक को और ऐड कर लेना है और हमें बता देना है कि ये टॉपिक सर छूट गया था। डे 17 में आप फिर इंग्लिश पे आ जाइए, इंग्लिश 100 नंबर के आते हैं 100 मार्क्स के, वोकैब्स आपने 151 से 160 तक रिवाइज करना है आपको, 151 से 160 तक साइनो और 151 से 160 तक एंटो एंटोनिम्स फ्रॉम ब्लैक बुक और एनी अदर बुक विच यू हैव, ब्लैक बुक या कोई भी बुक जिससे आप तैयारी कर रहे हो, खासकर वो प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए, ये आपके कोचिंग का नोट्स हो। एरर के 15 क्वेश्चन लगाने हैं, 15 से 20 क्वेश्चन लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 15 से 20 क्वेश्चन लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, और फिल इन द ब्लैंक्स के 15 से 20 क्वेश्चन लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। एक्टिव पैसिव आपको 20 क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 20 क्वेश्चन करना है, आज का टाइम टेबल थोड़ा सा बढ़िया है क्योंकि आपने 15 दिन तक फॉलो किया है तो 16वें दिन का टाइम टेबल आप फॉलो कर ले जाएंगे, जिन लोगों का पहला दिन है वो पहले दिन से टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट करें। पैसेज आपको 2 करना है, SSC CGL 2023 का पेपर आ गया है आंसर की, बहुत सारे चैनल्स जो है वो SSC के जो CGL 2023 के पेपर हैं वो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, वहाँ जाइए, हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पैसेज और क्लोज टेस्ट जो है वो पैसेज और क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगा दीजिएगा, CGL के, SSC CGL 2022 के, SSC CGL 2023 के भी कई चैनल पे मिल जाएगा। नाउन टॉपिक रिवाइज करना है आपको, टॉपिक और एडवर्ब की प्रैक्टिस करनी है 20 क्वेश्चन की, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग आपको 15 मिनट करनी है, ठीक है। ये हो गई बात किसकी, GS की, वो इंग्लिश की। अब हम आते हैं रीजनिंग के टॉपिक पर, और रीजनिंग का टॉपिक क्या है देखिएगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के 10 क्वेश्चन करने हैं, सीरीज के 10 क्वेश्चन करने हैं, 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, कोडिंग डिकोडिंग के आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ब्लड रिलेशन के 10 क्वेश्चन करने हैं, क्लासिफिकेशन के 5 क्वेश्चन करने हैं, एनालॉजी के 5 करने हैं, और सिलोगिज्म के 10 क्वेश्चन करने हैं, इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, इतने क्वेश्चन की कल के टॉपिक में हम वर्ड फॉर्मेशन भी ऐड करेंगे, जैसे कि डिक्शनरी वाले वर्ड अरेंज करने के लिए आते हैं, है ना, कथन और निष्कर्ष ऐड करेंगे, कंक्लूजन आता है ना, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, राम किया है श्याम किया से 20% अधिक, श्याम किया है राम किया से कितने परसेंट अधिक होगी, ऐसे भी क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिए गए थे पिछली बार, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम आपको तैयार करने को बोलेंगे और आप तैयार करेंगे। हमारे टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, आपको 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा अगर आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं, तभी आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं, क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम मात्र 2.5 महीने बाकी है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और आप 2 महीने 2.5 महीने में रिवाइज कर ले जाएं, रिवीजन कर ले जाएं, मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा, मेरे साथ साथ चलिए, और बहुत ही मेहनत बहुत ही एफर्ट लगा करके आप लोगों के लिए स्पेशली ये टाइम टेबल लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, इसको फॉलो कीजिएगा, जो फॉलो करेगा उसमें एकदम भयानक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, भयानक का मतलब बहुत खतरनाक इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसे फॉलो कीजिए, आपका दिन शुभ हो, मैं गॉड से ये प्रे करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे टाइम टेबल को फॉलो करें, 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है डेली, और आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे जब और पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आपको 5 से 6 घंटे 7 घंटे आराम से लग जाएंगे, आपको 5 से 6 7 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, आप 6 7 घंटे 2.5 महीने पढ़ के देखिए, रिजल्ट डेफिनेटली आना तय है, ठीक है, इंप्रूवमेंट जरूर होगा आप लोगों में, ये बात मान लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने का वक्त है, मैं बार बार कहता हूँ 2.5 महीने दिन 2.5 महीने रात, यानी कि अभी 5 महीने मान लो आप, ठीक है, दिन रात मिला करके थोड़े टाइम सोने को दो, 7 से 8 घंटे की नींद भरपूर ले लें, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, 8 घंटे की नींद लो फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करो, दिमाग थोड़ा सा फ्रेश रहेगा, रील्स मत देखिएगा, कल का टाइम टेबल थोड़ा सा और बेहतर हम इंग्लिश में करके लाएंगे। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जाइए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक डिसलाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब अच्छा लगा हो और नहीं तो अनसब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।